तो गाइस वी आर एट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अभी लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं। हम लोग का प्लान बना था लखनऊ जाने का, आगे मैं ड्राइविंग का वीडियो भी दिखाऊंगा। तो बहुत सही जगह है ये, मैं इसके व्यूज़ को दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे मेरे को लगता है 1, 2, 3, 4 लेन है, एक इमरजेंसी लेन है, सबसे राइट वाला ओवरटेक लेन है, वो जो है वो लेन है, ओवरटेक लेन है, ये 100 लिमिट का लेन है, ये इमरजेंसी लेन है। तो एक साइड 4 लेन और अदर साइड 4 लेन। यहाँ पे हम लोग को दिखा था कुछ पार्किंग वार्किंग के लिए, तो ये इमरजेंसी लेन होगा जहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल को स्टॉप करने का जगह है, जहाँ पे हम लोग मेरी कार लगे, हमारी कार लगी हुई। ये पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है भाई, लखनऊ जा रहे हैं, और यहाँ पे मतलब दूर दूर तक एक परिंदा तक नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक एक भी परिंदा नज़र नहीं आ रहा। इस पूर्वांचल एक्सप्रेस का बनने का एक फ़ायदा है कि कनेक्टिविटी बहुत सही हो गया है, एंड यहाँ पे लोकल जो लोग हैं बगल में। लेकिन एक चीज़ है कि आप कहीं भी इसका पूर्वांचल एक्सप्रेस कट नहीं है, आप कहीं भी जाके ज्वाइन नहीं कर सकते यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो गाइस बने रहिए हमारे वीडियो पे, अपना जाना पड़ेगा भाई। अच्छा इसमें कोई ये थी स्पीड का चूल नहीं ना है जिमें? 100 के ऊपर मत लेना। अच्छा चलो 90 ही लेके चलते हैं। 80-90 लेके चलिए आराम से। क्रूज कंट्रोल डाल दीजिए, क्रूज कंट्रोल पे डाल दो, चले दो गाड़ी। क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं है ना? अच्छा रास्ता इतना अच्छा जाएगा कि प्रेशर को दबा सकते हैं। अभी तो ज़ूम ज़ूम निकलेगा। दूर दूर का सही दूर दूर गाड़ी नहीं। तो क्या बोले थे? हाँ एकदम सही है। चलते रहो। यही एक्सपीरियंस है। साला फास्टैग में है ना? हाँ पहले ही डाल दिए 1000 ना साला। नहीं ये आया है टैक्सी नंबर, कोई नहीं है, चलिए। क्या अभी चालू नहीं किया क्या? ना नहीं चालू किया है। चलिए भाई एक्सप्रेसवे का मजा लीजिए बिना पैसा का। अब कम से कम 70 से
लग रहा है कि 40-60 60 हो गए। हाँ भाई जी 11 किलो आज हम गाड़े आ रहे हैं अयोध्या 194 ये अभी कहाँ से आ रहे हैं लौटते समय अयोध्या हो लिया जाएगा इतना दूर है देखे तो थे हम इसकी ठाजा वाल उतरता है तो रात में भाई हम भी खाएंगे।